सबसे पहले आपको और हमारे दर्शकों को दशहरा की बहुत बहुत बधाइयां। त्योहारों का मौसम है, हर जगह पूरे देश में लाइटिंग, मिठाइयां और पटाखों की धूम है, और ऐसे में सिनेमा की दुनिया में भी एक रॉकेट आया, रश्मि रॉकेट। वाह। और आज उसकी खूबसूरत स्टार कास्ट हमारे बीच मौजूद है, तो चलिए सबसे पहले आप सबकी जोरदार तारियों के बीच बुलाते हैं वेरी ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग एक्ट्रेस तापसी पन्नू। ये तापसी, अरे हाँ, कितनी प्यारी लग रही हो हमेशा से। कसम से इतना गाजर का जूस पिया, आज गाजर ही लग रही मेरे को। बहुत बहुत स्वागत है तापसी आपका। थैंक यू। और रश्मि रॉकेट के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। मैंने ट्रेलर देखा आपका, इतना कमाल का ट्रेलर है। मतलब आप जब भी कोई भी फिल्म करती हैं, आप शिद्दत से करती हैं। इतना भाग रही है तापसी उसमें। तो ये रश्मि रॉकेट की स्टोरी जो है, ये भागते भागते सुनी आपने कि आपको स्टोरी अच्छी लगी, आपने रुक के सुनी? एक्चुअली भागते भागते मेरे पास आई। अच्छा। एक बड़ी भागती हुई सी ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन दी थी मुझे राइटर जो है पिक्चर के, नंदा पेरिया स्वामी, वो साउथ के। अच्छा। मैंने देख के कहा कि यार ये पिक्चर तो पूरे कंट्री को देखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा मुद्दा जो कभी पहले उठाया नहीं गया। right. हमने एथलीट्स की स्ट्रगल देखी है, जो उनके पास मतलब पैसे नहीं होते, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं सोशली जो उनके पास इश्यूज right. होते हैं, बट ये वाला जो इशू है ना जेंडर टेस्ट का, ये कभी किसी पिक्चर में उठाया नहीं गया। इनफैक्ट लोगों को पता नहीं, हम लोग ओलंपिक्स देखते हैं, सेलिब्रेट करते हैं अपनी विक्ट्रीज जो होती हैं हमारे प्लेयर्स की, बट ये वाला जो फीमेल एथलीट का इशू है कि उनको जेंडर टेस्ट के थ्रू जाना पड़ता है, उनके टेस्टोस्टेरोन मेजर करके उनको बोल दिया जाता है आप औरत नहीं हो, इसलिए आप औरतों की रेस में नहीं भाग सकती, बाप रे, आप जाके मर्दों की रेस में भागो। तो ये जो चीज़ थी मुझे बहुत चौंका देने वाली चीज़ लगी। मुझे लगा इस पे ये नया मुद्दा है जिस पे पिक्चर ज़रूर बननी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को रिव्यू ज़रूर करना चाहिए। एंड वी हैव अ फिल्म रेडी। हैप्पी दशहरा विद रश्मि। ओ, मेहनत आपकी दिख भी रही है आपके ट्रेलर में। अब देखो ना, एथलीट जैसी बॉडी बना ली इतने पूरी भाग भाग के, बहुत कमाल की बात है यार, ऐसे मेहनत नहीं होती सीरियसली। जैसे मुझे मोटिवेशन जल्दी मिलती नहीं है, मैं मेरी शादी में अपना वेट नहीं कम कर पाया सीरियसली। अरे अरे, आपने तो देखा ही, मेरी शादी पे आई थी आप। तूने तो अपनी पहली फिल्म के लिए भी वेट कम किया था, है ना? उसमें बीवियां भी तो चार मिली थी ना। अच्छा, आप सब जानते हैं कि तापसी ने काफी सारी ऐसी फिल्में की जिसमें ये एथलीट बनी है। सूरमा और मनमर्जियां में इन्होंने हॉकी खेली, सांड की आंख में राइफल शूटिंग की, आने वाली फिल्म इनकी क्रिकेट के ऊपर है, अब जो फिल्म है इसमें एथलीट बनी है। तो आपने एक्टिंग का कोर्स किया है कि पीटी उषा का कोर्स किया आपने? यार मेरा स्पोर्ट्स से खत्म ही नहीं हो रहा, मेरे को लग रहा है मुझे बॉलीवुड में एंट्री स्पोर्ट्स कोटे पे मिली है। मुझे तो पता नहीं क्यों लगता है अगले साल पता चले तापसी ओलंपिक में जा रही है खेलने। हमने तापसी के बारे में एक और बात सुनी है कि ये फिल्म की प्रेपरेशन के लिए, फिटनेस के लिए, अपनी बिल्डिंग के 45 माले पैदल चढ़ के जाती थी और नीचे आती थी। ये बात सही है? तो वापस आते हो दूध की थैलियां उठा के लाती थी। दूध की थैलियां और न्यूज़पेपर उसपर सब उठाती आती थी मैं रास्ते में वापस। पर देख लो, आप 45 फ्लोर चढ़ के वजन कम किया, अर्चना जी 50 फ्लोर चढ़ती हैं रोज, जैसे 70 किलो की मान लो, तो ऊपर जाती है 50 फ्लोर, नीचे आती 150 किलो की होती है, दूध की थैलियां, अखबार। पर उस दिन आपने हद कर दी, किसी का कुत्ता खोल के ले आई। मैंने कहा ये क्यों खोल के लेगी, मेरे घर में कुत्ता नहीं है, काम आएगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ और खास तौर पे आपको बताना चाहता हूँ रचना जी, इट्स मोर लाइक ए इन्फॉर्मेशन। अच्छा। जैसे तापसी ने फिल्म बेबी की अक्षय साहब के साथ, तो इन्होंने शबाना नाम का करेक्टर किया, उसके बाद इन्होंने नाम शबाना नाम से पूरी फिल्म कर दी, अक्षय कुमार को बाहर निकाल दिया। उसके बाद इन्होंने मिशन मंगल की अक्षय कुमार साहब के साथ, उसमें ये रॉकेट बना रही थी, उसके बाद इन्होंने रश्मि रॉकेट बनाई, अक्षय कुमार को फिर निकाल दिया। और अब जब भी हमारे शो पे आती, बहुत एंजॉय करती हैं, बहुत हंसती हैं। मैं तुम्हारे से नहीं निकालूंगी। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कहीं उनका निकाल। अच्छा, तापसी बहुत भाग रही हैं इस फिल्म के चलते, इससे पहले कि यहाँ से भाग के दूसरी जगह प्रमोशन में चले जाएं, आइए प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां। और अब हम बुलाते हैं फिल्म से जुड़े हमारे और मेहमानों को, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं इन्वाइट करना चाहूंगा सुप्रिया पाठक जी, प्रियांशु पेनुल्ली एंड अभिषेक बैनर्जी। जोरदार तालियां मेरी मां के लिए।
कोई बोलना था आज कपिल की माँ भी आ रही, तो मेरी माँ रानू कह रही तूने दूसरी माँ रख ली। मैं कहा ये काम पिता करते हैं, मेरी तो फिल्म में माँ बनी सुप्रिया जी। जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे फिल्म के सब कलाकारों का। मैंने आपके आने से पहले यही बात कर रहे थे, बड़ा कमाल का काम किया सबने, आप तो हमेशा ही कमाल का काम करती हैं। पर मैं आप दोनों का भी बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने आपको देखा हथौड़ा मार मार के जो आपने लोग मारे हैं पताल लोक में, ऐसे नहीं देखी ना आपने पताल लोक? Awesome, you are in it. Thank you, thank you. Thank you. और ये भाई साहब मिर्जापुर में, मिर्जापुर ऐसे कमीने इंसान बने हैं कि मैं जब मिला तो मैं, ये तो बंदा ही बड़ा शरीफ है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा सुप्रिया जी को हम सालों से देखते आ रहे हैं, बहुत कमाल की अदाकारा है, लेकिन इनके साथ एक चीज गलत होती है, ये जिस फिल्म में भी माँ बनती हैं, इनको बच्चे बड़े शरारती नालायक मिलते हैं। जैसे सरकार में इनका एक बेटा दूसरे बेटे को मार देता है, मेकअप सीन में रणबीर कपूर घर से भाग जाता है, उसके बाद रामलीला में इनकी बेटी दुश्मन के साथ सेट हो जाती है। आप प्रोड्यूसर को कहती नहीं कि पैसे चार मेरे को कम दे दो, मेरे को बच्चे अच्छे लायक दिया करो? पर एक बच्चा मेरा याद है तुम्हें जो तीन लड़कियों के पीछे भाग रहा था और फिर चौथी से शादी करने के लिए व्याकुल हो रहा था। हाँ जी जी जी, वो एक थप्पड़ भी मारा था मैंने, याद है? उसके बाद वो सुधर गया था। उसने ना अभी सीरियसली एक शादी की है, उसके दो बच्चे हैं, वो उसकी कोई और नहीं है। वो सुधर गया है लड़का। श्योर हां? हां, कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। अच्छा अभिषेक जो है ये बहुत कमाल के एक्टर तो है ही, साथ में कास्टिंग डायरेक्टर भी बड़े कमाल के हैं। कास्टिंग बे, ये ना हर दूसरी वेब सीरीज हर दूसरी फिल्म में नजर आते हैं। हाँ। तो ये जो कास्टिंग कंपनी आपने खोली है, दूसरों को भी चांस देते हो कि खुद को कास्ट करते रहते हैं? सर काश, मतलब ऐसा काश मैं खुद को चांस दे पाता, लेकिन मेरा पार्टनर है जो कि बड़ा स्ट्रिक्ट है। अच्छा। तो वो नहीं होने देता। इनफैक्ट बहुत बार डायरेक्टर्स को उसने खुद बोला कि नहीं इसको मत रखो, बेटर एक्टर ढूंढ के देता हूँ। अच्छा। लेकिन अभिषेक कभी होता है ना, जैसे जो कोई मान लो रोडवेज में काम करता है, वो अपने ऑफिस से छुट्टी करके निकला और किसी बस में चढ़ जाता है, अपना आईकार्ड दिखाता है कि स्टाफ। हाँ। तो उसका किराया नहीं लगता। हाँ। तो ऐसे आप कहीं और जाते हैं जब। हाँ। कोई और कास्टिंग डायरेक्टर कास्टिंग कर रहा होता है तो आपको ऑडिशन देना पड़ता है कि आप बोलते हैं स्टाफ? ऐसा होता है कि आपको ऑडिशन देना ही पड़ता है? नहीं, देना पड़ता है। अच्छा। और क्या कमाल का काम करते हो आप। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रियांशु जो हैं बड़े कमाल के एक्टर हैं, इस फिल्म में ये तापसी के हस्बैंड बने हैं। आपको इस बात की ज्यादा खुशी है कि आप तापसी के हस्बैंड बने, कि इस बात की ज्यादा खुशी है कि कोई रोमांटिक सीन तो है नहीं तो भागी जा रही है? नहीं, मेरे को डायरेक्टर ने बोला था कि तुम्हें बस शायद सा एक स्वीट सा आर्मी ऑफिसर बनना है। अच्छा। लड़की बड़ी तेज होगी। अच्छा। तो अगर पकड़ सको तो ठीक है। हाँ। तो रोमांटिक सीन तो हो ही नहीं पाया, मतलब जब मैं पहुंच ही नहीं पाता था इन तक। मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि मैं उनकी सास बनी। वाह। आज फुल स्लीव मूंछों के साथ देखा ना मैंने। फुल स्लीव मतलब पूरी भरी भरी मूंछें। अब वक्त है उन्हें यहाँ पे बुलाने का जिन्होंने इस फिल्म में रश्मि रॉकेट में म्यूजिक दिया है। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर मिस्टर अमित त्रिवेदी। और अमित बहुत ही कमाल का गाना गाया आपने, और थैंक यू, हम आपके गाने सुनते रहते हैं। अमित, पहले तो अमित त्रिवेदी नाम सुन लगा था बैंक में होगा लड़का कोई। है ना, कुछ सीईओ होगा। ये म्यूजिक टैलेंट है भगवान, मतलब इतना कमाल का टैलेंट है। और इन्होंने बहुत सारे खूबसूरत गाने बनाए, बहुत सारी फिल्मों में म्यूजिक दिया। हालांकि इन्होंने आते ही देव डी में नेशनल अवार्ड ले लिया था, उसके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। उसके बाद कितने सारे गाने बनाए, कितने सारे जिंगल्स बनाए, लेकिन इतने हम्बल हैं, ये वेट कर रहे थे कि चार पांच लोग और इकट्ठा हों शेयर करके टैक्सी में, फिर मैं जाऊं हमारे शो पे। आपको आ जाना चाहिए था यार हमारे शो पे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू। आइए आइए प्लीज। तापसी, अनुराग कश्यप आपके बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, आपको पता है पहले जब इन्होंने अनुराग कश्यप के साथ काम किया देव डी में ना, पहली फिल्म में, जी जी, उसके बाद लगातार 12 फिल्मों में काम किया। तो आप सिर्फ म्यूजिक बनाते हो कि डायरेक्टर का कोई वीडियो बना के रख लेते हो ताकि आप ही को काम दे? पर बड़े कमाल का म्यूजिक देते हैं आप यार। थैंक यू। एक इनका गाना था सुप्रिया मैम, भावेश जोशी करके फिल्म आई थी, उसमें इन्होंने बड़ा मजेदार गाना बनाया
तेरे चुम्मे में च्यवनप्राश है। जब ये लॉकडाउन चल रहा था सब लोग बोल रहे थे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश खाए, तो फिर आप कौन सा भला च्यवनप्राश खाते थे? सर जो मेरे बहुत से दोस्त लोग हैं उनके प्रेगनेंसी की न्यूज आने लगे थे लॉकडाउन के बीच में। तो वो च्यवनप्राश शायद मैंने तो गाना बना रखा थी। आपने सिर्फ प्रेगनेंसी की न्यूज ही सुने, लोगों के तो बच्चे हो गए, दोस्त हो गए। आपका कोई भी फैमिली डिस्प्यूट हो या किसी ने हो आपको ठगा, आपका परिवार साथ दे या ना दे, ये वकील है आपका सगा। दामोदर जी मलाने, एक मिनट रुक जाए। आ हाँ उधर रहे हो यार। ओहो सुनो मेरी बात, ये ट्रक का सामान रिक्शा पे लेके घूम रहे, शर्म नहीं आती तुझे? क्या है वकील साहब ये सब? अरे वकील क्या है भाई, यहाँ पे इतनी फिल्में प्रमोट होती है। हाँ। मैंने कहा कि भाई मेरी वकालत भी थोड़ी प्रमोट हो जाए तो क्या जाता है। अच्छा आपकी तशरीफ आती है तो रखिए इधर। मैं तो रखूंगा। आइए। वेरी नाइस। ओ गॉड, तो एक बार तो रश्मि रॉकेट के लिए। वो क्या बात है भाई, आप सभी को रश्मि रॉकेट के लिए बहुत 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 बधाइयां। थैंक यू। ये हमारे मोहल्ले के वकील हैं। नहीं ये क्या बात हुई, मोहल्ले के वकील? मोहल्ले में मैं रहता हूँ, वकील तो मैं हर जगह हूँ। कहे मैं कानपुर जाऊँगा डॉक्टर थोड़ी ना बन जाऊँगा। सुप्रिया जी। हाँ जी। मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा था, पता नहीं कि आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन जो पूरी इंडस्ट्री है ना जी, जी। इंडस्ट्री में आपको जैकी श्रॉफ का फीमेल वर्जन कहा जाता है। कैसे? कैसे? क्योंकि जग्गू दादा हमेशा कहते रहते हैं बिड़ू मेरा बच्चा है तू, बिड़ू मेरा बच्चा है तू, और आपने पूरी इंडस्ट्री में सभी कलाकारों को अपना बच्चा बनाया हुआ है कोई ना कोई फिल्म में। रामलीला में अपना दीपिका पडुकोन आपका बच्चा थी, बिग बुल में अभिषेक बच्चन आपका बच्चा थे, इस फिल्म में तापसी जी आपका बच्चा है, और एक और फिल्म आई थी यार किस किस को प्यार करूं, उसमें भी एक लड़का था ठीक ठाक था, वो क्या नाम था उस लड़के का, अपना ये टीवी पे भी आता है जो स्पोर्ट्स वो क्रिकेटर का नाम जो बहुत अच्छा एक्टर है। अच्छा एक्टर है, अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा शो करता है, बहुत अच्छा शो करता है लड़का वो। क्या नाम है लड़के का? नाम याद नहीं आ रहा सर। के आसपास जो आपने मफलर लपेटा है इसको निकालिए पहले। नाम याद नहीं आ रहा आपको? आ गया। कपिल शर्मा नाम है उसका, वो भी अच्छा अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं। ठीक, तो मैं कह रहा था कि एक रिक्वेस्ट थी मेरी तरफ से, तो है ही साथ में जितनी ऑडियंस है ना वो चाह रही थी कि एक बार आप अपने मुंह से बोले कि बिड़ू मेरा बच्चा है तू, लेकिन आपके वो खिचड़ी वाले अंदाज में। अच्छा। वो जो आपका वो ए बिड़ू तू मेरा बच्चा है। क्या बात है। अच्छा सुप्रिया जी के लिए तो तालियां हैं, इनके लिए बनती हैं। दो सेकंड में उठ गए आप। नॉर्मली 35 मिनट लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है यार, ये तो सिर्फ कहने की बात हुई। वैसे यार अभिषेक जी आपने यहाँ पे आने में देर कर दी। क्यों? अच्छा? क्या यहाँ पे पहले सिद्धू जी बैठा करते थे तो? और वो कहते थे ठोको ठोको, उस समय हथौड़ा लाए होते। और बाकी फिर कोई केस वेस बनता तो मैं तो बैठा ही वो तो है। वैसे अमित जी आपसे भी पूछना था, आप पहले वकालत करते थे क्या? क्यों नहीं? क्योंकि यार ये अपना वो नैना के फेवर में आप एक दलील दे रहे थे कि नैना का क्या कसूर, क्या कसूर, क्या कसूर। मैं आपको खाली बता दूं कि जो अदालत होती है ना उसमें दलील नहीं चलती, वहां पर सबूत चाहिए। सबूत? डू यू गेट इट मिस्टर त्रिवेदी? यस सर आई गेट। मिस्टर त्रिवेदी क्या था? पूरा नाम बोलिए। अमित त्रिवेदी। पूरा नाम अमित त्रिवेदी। अरे सिर्फ अमित त्रिवेदी? सिर्फ अमित त्रिवेदी। वकील साहब अमित त्रिवेदी? वकील साहब नॉट अमित त्रिवेदी, वकील साहब दामोदर जेठमलानी।
अरे ये अमित त्रिवेदी हैं। मुझे पता है ये अमित त्रिवेदी हैं। वकील साहब मैंने ना सिक्योरिटी गार्ड बुला लेना। उसको भी पता है ये अमित त्रिवेदी हैं। है कि नहीं मिस्टर त्रिवेदी? जी जी बिल्कुल। आप ये सही नहीं कर रहे, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सही नहीं कर रहा होता तो 8 साल से थोड़ी चल रहा होता आपका ये। मैं तो सही कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन तापसी जी, आपने जो बच्चन साहब के साथ किया ना, आपने ठीक नहीं किया। क्या? उन्होंने क्या किया? मैंने क्या किया? देखिए, पिंक फिल्म में आपने एक केस लड़ने के लिए उन्हें बुलाया था। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने केस लड़ा। फिर मुल्क फिल्म में आपने उन्हें अप्रोच ही नहीं किया, आप खुद ही केस लड़ ली। बात गलत है। देखिए, इसकी वजह से उन्हें KBC करना पड़ा। और देखिए कितनी मेहनत लगती है फिर उसमें। भाई रातों को बैठो, सवाल ढूंढो, उसके 4 ऑप्शन निकालो, जाओ सवाल पूछो, जवाब लो, फिर वो कोई जीत जाए तो बैंक में जाओ, पैसा लाओ, पैसा दो। ऐसे नहीं होता वकील साहब, उनकी पूरी टीम होती है बच्चन साहब की। नहीं नहीं, टीम वो क्रिकेट की होती है। अरे मैं बच्चन साहब की बात कर रहा हूँ। बच्चन साहब की तो क्रिकेट टीम है ही नहीं, उनकी तो कबड्डी की टीम है। कबड्डी की बात कहाँ कर रहा हूँ मैं? अरे तो कबड्डी की बात कीजिए यार, बड़ा अच्छा स्पोर्ट है। और कबड्डी, इनकी फिल्म भी आ रही है। उनकी कबड्डी पे कौन सी फिल्म आ रही है? नहीं आ रही तो आ जाएगी। जरूर, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। एक्चुअली ये स्पोर्ट्स ही नहीं, और भी बड़ी तरह की फिल्में करती है। मैंने देखा है, आप ये अदालत, कोर्ट कचहरी की बहुत फिल्में करती हैं। तभी आप आए हो ना आज मेरे सामने। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, आपने कभी मुझे केस लड़ने के लिए बुलाया नहीं। वेरी रॉन्ग। आप दोनों आपस में कंपटीशन करके डिसाइड कर लो कौन बनेगा मेरा वकील। मैं तो रेडी भी हो गया। देखो, अगर दोनों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मैं खुद भी लड़ सकती हूँ अपना केस। नहीं नहीं नहीं, इनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। मैं लड़ूंगा केस आप ले लीजिए, इनको ले लीजिए। आप कभी मुझे प्लीज जीत के दिखाइए फिर। एक तो जब जज बोलता है तो जज के पास ना खड़ा होकर वो सारा ऑर्डर ऑर्डर इधर करता रहता है, आपका काम खराब हो गया। और यहाँ क्यों है, कोई केस नहीं लड़ना उनको? नहीं लड़ना है केस। अभी ब्रेक लिया मैंने, एक मिनट रुक जाइए। केस नहीं लड़ना है तो ये रहा आपके नाम का नोटिस। किस बात का नोटिस? आपने एक वकील का टाइम वेस्ट किया है। और आपने जो पैदा होके इतना ऑक्सीजन वेस्ट किया उसका क्या? आप पैदा नहीं होते, 6 सिलेंडर भर लेते हम। उसके लिए आप मुझे नोटिस भेज दीजिए। हैप्पी? अरे आपको नोटिस नहीं, आपको नोटिस आया। यार ये तो कॉमेडी की बात हो गई, और कोई कॉमेडी शो नहीं चल रहा है यहाँ पे, भी सीरियस कॉमेडी शो नहीं चल रहा। देखिए, ये नोटिस में साफ साफ लिखा है कि आपको 3 साल की रोमांटिक डेट की सजा मुकर्रर की जाती है। आपको शर्म नहीं आती शर्म फ्लर्ट करते हुए? ये देखो यार, मैं फ्लर्ट करूँ तो फ्लर्ट, ये फ्लर्ट करे तो इंटरव्यू। वकील साहब, आप जाने का क्या लोगे? मैं एक काम करो, 3.5 लाख रुपए दे दो, 2.5 एकड़ जमीन दे दो, और 1 7-सीटर गाड़ी दे दो। वाह वाह, ये क्या तरीका हुआ मांगने का? तो कुछ देने नहीं वाले तो पूछते क्यों क्या लोगे। यार देखो, सुनो, इधर आओ शर्मा, इधर आओ शर्मा, थोड़ा ना रिलैक्स होके बैठो, टांग आराम रख के। मैं तो आराम, मेरा क्या है यार, मैं तो रिलैक्स हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। डिफिकल्ट है, रिलैक्स हो जाता हूँ, थोड़ी। थैंक यू। तो मैं कह रहा था कि शर्मा थोड़ा ना कॉन्फिडेंट रहा करो। अच्छा अच्छा, ये क्या शो ना तुम्हारा शो है, ऊपर नाम आता है द कपिल शर्मा शो, तो तुम अगर मुझे कहोगे गेट आउट, तो मैं हो जाऊंगा, मेरे पास ऑप्शन क्या है? तो एक बार कॉन्फिडेंटली कहो गेट आउट। गेट आउट, ओके। मैं अपने एक बार जरा गाड़ी मंगा लूं। यार ड्राइवर, गाड़ी निकालो। क्या हमारे पास गाड़ी नहीं है? तो एक काम करो, चोरी करके किसी की भी निकाल लो, केस तो मैं ठोकी दूंगा उस पे। क्या अच्छा, आप सब सोशल मीडिया से वाकिफ हैं, तापसी आप तो बहुत सारे पोस्ट भी करते रहते हैं अपने फैंस के लिए, तो पढ़ने का टाइम तो होता नहीं आपके पास, क्योंकि आप भाग रही हैं लगातार। तो हमने आपके लिए कुछ कमेंट्स निकाल के रखे हैं आप सबकी फोटोग्राफ्स के ऊपर। बिल्कुल, वेरी नाइस।
ये तापसी का फोटो है. लेट्स वूश. माय साइट सीइंग पार्टनर, टूरिस्ट पार्टनर, मॉस्को. वाओ. चलिए कमेंट्स पढ़ते हैं, दिखाइए. बाबा पेट्रोल महंगा इतना हो गया, वूश ही करना पड़ेगा. ये सही बात है, ये सही बात. बिल्कुल सही बात बोली है. बड़ी बड़ी कार में इंडिया में ही घूमते हैं, विदेश में सब छोटी गाड़ी पे आते हैं. और दिखाइए. तेजी से भागो, बच्चे की माँ आ रही है. उसने सोचा कि बच्चे से छीन के भागी है. ये पेट्रोल से बच्चे भी भाग रहे थे मेरे पीछे उसके बाद, मैंने देखे थे एक्चुअली में. ये बड़ा होकर मोटरसाइकिल बन जाएगा क्या? ये मेरा फेवरेट वाला हुआ. ओहो बैनर्जी. नाउ इट्स अभी. ओह वाओ. ग्रेटिट्यूड, थैंक यू फॉर द लव गाइस. अनकही कहानियां. अनकही कहानियां. तो ये पिक्चर के ऊपर कमेंट्स हम पढ़ते हैं आगे. डिस्काउंट मांगने पे अभिषेक भी लाइक. ओ स्त्री कल आना. मैडम कैरी बैग के लिए तो बार्गेनिंग मत करो. नीचे लिखा थैंक यू मैडम, आप पहली लेडी हैं जिन्होंने मुझे पहचाना, आप जो चाहे तो कर सकते हैं. और दिखाइए. और भी है. औरत के आगे हाथ जोड़ रहा है, आदमी होता तो हथौड़ा मार देता. प्रियांश ट्री के साथ मन की बातें. वाह क्या बात है. हाँ चलिए कमेंट्स पढ़ते हैं. नीचे आ जाओ, अच्छा काम करते हो, कोई कुछ नहीं कहेगा. पेन्यूली जी, आपका सरने में इतना दर्द क्यों छुपा है? चश्मा ज्यादा जरूरी था, पहले जूते खरीद लेते. वेरी गुड. ओह माय गॉड, अमित, इट्स यू. अमित त्रिवेदी है. अमित, आप दोनों में से कौन से हो पहले तो ये बताओ. इस तरह वाला. तो आपके साथ कौन है? कीर्तिदान गढ़वी, गुजरात के फोक स्टार है. तो ये कपड़ा सस्ता मिला था, दोनों ने सेम ले लिया. एक बार होता ना थान में सस्ता मिलता, हम दो पीस उतरवा लेते हैं. ओके ऐसे ही हंसते गाते सबको नचाने हम आ रहे हैं. ओके चलिए पढ़ते हैं कमेंट्स. आइए अमित भाई, आप कौन से वाले हो? सेम पूछा. अमित भी लाइक भाई, डांडिया में दोनों मिलके बहुत कमाएंगे. He's a डांडिया किंग. अच्छा भाई फागुनी को भी मिला लो, उन्हें बहुत शोज मिलते हैं. और आगे ये एक पर्दे से दो कुर्ते बनवाए. नीचे लिखा तुम्हारा और मेरा कुर्ता सेम, तुम्हारा और मेरा चश्मा सेम, तुम्हारी और मेरी दाढ़ी सेम, रमेश सुरेश भैया गरबा में मिश्रे दो भाई. तो ये लोग कितनी मेहनत करते हैं यार. ये पूरा स्क्रिप्ट लिख दिया उसने. आगे कॉन्फ्लिक्ट के साथ तापसी. रश्मि गोज बैक टू स्कूल. रश्मि रॉकेट. ओके चलिए कमेंट्स पढ़ते हैं. जब मम्मी बोले कि देख कर आओ कितने लोगों की चाय बनानी है. Just that expression. ऐसी लड़कियां हमारे स्कूल में क्यों नहीं होती? तेरी स्कूल की स्पेलिंग देख के लगता है वहां टीचर भी नहीं होंगे. क्या मैंने कभी नहीं पढ़े यार, काफी एंटरटेनिंग है. आगे और दिखाइए. अपनी फ्रॉक का तो पर्दा बना लिया, भाई के कपड़े पहन के खड़ी. लगता है इनकम टैक्स वालों को कुछ नहीं मिला इसलिए खड़ी खड़ी मुस्कुरा रहे. वाह. और है. ओके कैप्शन दिस इंटेंसिटी. आगे दिखाइए कमेंट्स. साला लगता तो मैं भी साइड से विराट कोहली हूं, फिर कोई हीरोइन क्यों नहीं पड़ती. पर साइड से विराट कोहली. व्हेन यू रियलाइज दैट लोटा लाना तो भूल गए.
ये तो आला ही था इसमें. आगे और दिखाइए. ओहो तगड़ा रहो, मींस बी स्ट्रॉन्ग, टू मच. आगे ये बहुत लंबा है. इतनी इंग्लिश लिखी आपने. आप तो मुदगर का सिकंदर लग रहे हो. अच्छा, हम मुदगर का वर्ड प्ले करता है. मुदगर क्या होता है? इसको मुदगर कहते हैं. ये मुदगर है ना, मुदगर का सिकंदर. आप तो चलाती हैं मुदगर. आई नो. तेरे पर चलाऊंगी ना एक दिन, तू देख. ये नहीं करती थी तो पति की दोनों टांगे जोड़ परमी थी. ऐसे हो जाओ दोनों पड़ती. और आगे दिखाइए. आपकी बॉडी तो अच्छी बन गई है, आप भी लोगों को गांव छोड़ना शुरू कर दो, सोनू सूद बन जाओगे. और थैंक यू. दिस इज करियर एडवाइस. या एग्जैक्ट, सीरियस करना पड़ेगा. दे दो नारियल वाले के पैसे, क्यों बेचारे को ठंडा. वाओ, व्हाट अ क्रिएटिव पीपल. अचानक से कैसे आप? वो तो मैं तो दुनिया में भी अचानक से आ गई थी. वरना आपको लगता कि ऐसी शक्लें प्लानिंग से आएंगी. लेकिन तू अचानक से थी. मेरे से बात मत करते, ऐसे नाराज हूं मैं. क्यों? क्यों? वाह, शो शुरू कर लिया, पुआ की याद नहीं आई. सुप्रिया जी, वो तो चैनल ने चार पैसे मेरे मुंह पे मारे तो मैं आ गई, वरना इसके दरवाजे पे मैं कभी ना आऊं. इतना सा होता था, अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार किया इसको. लेकिन ये बचपन का प्यार मेरा भूल गया ना तू? हुआ, मैंने आपको फोन किया था, आपका फोन नहीं लग रहा था. एक नंबर का झूठा है अभी जी. हीरोइनों के फोन लगाने से तेरे को फुर्सत मिले तब पुआ का नंबर मिले ना. आया पड़ा. एक मिनट. ओए, नई जगह पे कार बना लिया, चार पैसे आ गए, आए नए सोफे, नए फ्रूट. ये बात तूने बड़ी अच्छी की पुत. क्या? पहले अर्चना जी का सोफा सेंटर में होता था, अब थोड़ा साइड पे कर दिया. धीरे धीरे साइड 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 ही कर दी. मेरे लिए क्या लेके आई हो दिल्ली से? तेरे लिए लेकर आई ना बेटा इतना लंबा कुतुब मीनार. वो मैं आ रही थी तो गेट पे अड़ रहा था, इसलिए बाहर ही खड़ा करके आई हूँ. आते ही पुआ क्या लेकर आई? पुआ को चाय पानी पूछा कुछ? आया बड़ा. अब ना मंगाई ठंडी हो जाएगी, पहले गेस्टों से मिल लूं. हेलो जी, प्रियांशु तो क्या हाल है? अभिषेक जी ठीक हो? अमित जी, त्रिवेदी साहब ठीक है? अब मैं मिलूंगी अपने कलेजे के टुकड़े, अपनी तापसी को. हाय मेरा बच्चा. हाय बैठो बुद्ध. थैंक्स. मोनू जी कैसे हैं? कौन मोनू जी? तापसी के पापा. दिलमोन पन्नू जी. जानती उनको? आप भूले नहीं हो. मैं एक बात बोलूं, वो पहले मोहन जी थे. अच्छा. जब मैंने उनको अपना दिल दिया ना, फिर वो हुए दिलमोन जी. आज किस्मत ने साथ दिया होता ना सुप्रिया जी, तो ये कम्बू पुआ नहीं, कम्बू पन्नू होती. एक ही कॉलेज में पढ़ते थे मैं और मोहन जी. मैं कंटीन में बैठी समोसे खाती थी और वो मुझे दूर बैठे कूरते रहते थे. एक दिन मैं समोसे खा रही थी, फटाफट धीरे से मेरे पास आए अभिषेक जी. ज्यादा ही पास आ गए थे और कान में आके कहते, मोटी है तीन समोसे रह गए, पूरे खा के 50 कर ले. मैंने भी कह दिया अर्चना जी कि जो बंदा 2 घंटे से मेरे समोसे गिन रहा है उसको कुछ तो इंटरेस्ट होगा मेरे. सही बात. फिर समोसों से काम शुरू हुआ, पानी पूरी तक गया. पानी पूरी हम तीखी तीखी खाते थे और मिर्ची दूसरों को लग जाती थी. मैं तो मोहन जी के प्यार में इतना डूब गई थी ना तापसी, कि पानी पूरी वाले से मीठा पानी नहीं,
मीठा पन्नू मांग लेती थी। तभी आपसे बिछड़ने के बाद से उन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं खाया है। आए, बेटा तब से मैंने भी कुछ नहीं खाया। एक बार ऐसा हो गया था कि मैं और वो थोड़ा घूम रहे थे, मेरे पिताजी आ गए ऊपर से पुत। अच्छा, फिर? फिर क्या, मैंने पिताजी को कह दिया, मैं कहा घर चलो आपको बताती हूँ जरा मैं। हैं? उनको डांट रहा चाहिए था। हाँ, क्योंकि वो भी किसी और के साथ घूम रहे थे। आए, किस्से तो बड़े हैं पुत, पूछ मत कितने किस्से हैं। एक बार ना मैं मोमोज खा रही थी तो मेरे पोपोस आ गए। इस बार पोपोस ने मुझे कह दिया, कहते घर चल तेरे को बताता हूँ मैं। इस बार क्यों डांटा? क्योंकि पोपोस मोमोज वाली के साथ नहीं थे ना, वो अकेले घूम रहे थे। लेकिन मैं एक बात बोलूं, याद मेरे को बड़ी आती है उनकी। तापसी पुत्र कैसे हैं वैसे वो? मैं आपका मैसेज कन्वे कर दूंगी। हाँ। अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास A1। बहुत मिस कर रहे, लग रहा मुझे आपको। सच्ची? हाँ। मेरा प्यार देना उनको, कस के जफी पाना। बिल्कुल। खैर, मैंने भी वेली नहीं बैठी मैं लॉकडाउन पे। इसको क्या लगता शो पे नहीं बुलाएगा तो पुआ का काम नहीं चलेगा? तापसी पुत्र इधर देख, लॉकडाउन में पुआ ने हर्बल मास्क बनाए। सुप्रिया जी ये देखो, केले के पत्ते का मास्क। ओ, क्या बात। अभिषेक जी, पान के पत्ते का मास्क। पत्तों का मास्क कौन बनाता है? ले, मास्क कौन बनाता है? मेरे पिताजी पत्तों की स्कर्ट पहनते थे, ये तो फिर भी मास्क मुंह पे लगा रहे होते हैं। है? फ्रेश होते हैं एकदम। ऑर्गेनिक, बायोडिग्रेडेबल, एकदम ऑर्गेनिक। प्रियांशु पुत्र, तू सोच रहा है ना कि पुआ ऑनलाइन बेचती है? नहीं बेचती है पुत्र, जितने मर्जी ऑर्डर कर ली, फ्रेश मास्क पहुंचेंगे तेरे पास। तो डिलीवरी होते होते पत्ते सूख नहीं जाते? तो पुत्र हमने तो धागे सप्लाई करने, पत्ता तो उन्होंने खुद डलवाना है फ्रेश। सच्ची कह रही हूँ पुत्र, ऑर्डर कभी भी कर ली। लेकिन अभिषेक, तेरे से पुत्र मुझे काम है एक। जी, इनसे क्या काम कराना है? वो पुत्र मैंने देखा था, पता आलोक में बेचारा हथौड़ा लेके घूमता रहता था ना, किसी ने इससे कील नहीं ठुकवाया। उधर 2-3 कील है, पुआ की स्कर्ट अड़ गई थी इधर से, है वो ठोक के जाने पुत्र। ठीक है सुप्रिया जी, बहुत बहुत बताई लक्ष्मी रॉकेट की है, बैठो आजा। हाँ। ये मेरी तापसी के लिए और ये पन्नू साहब के लिए। ये वाली देना उनको जब भी है। बिल्कुल, सेम टू सेम। पुत्र आजा, राजवा बना रही हूँ। हेलो, तो दिल्ली। ठीक है, चलो जी। अच्छा, अभिषेक ने पताल लोगों में बड़े हथौड़े मारे, मिर्जापुर में भी इनके ऊपर मर्डर केस चल रहा था। हाँ। इस फिल्म में ये लॉयर बने हैं, आप खुद कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं। जी। आपको क्या लगता है, आप लॉयर ज्यादा लगते हैं कि अपराधी ज्यादा लगते हैं? ये पिक्चर इनके कैरेक्टर शुद्धिकरण के लिए दी गई है। मैं वही सोच रहा था कि जब आपने वकील का कोट पहना तो जब आप कोर्ट में गए तो कटघरा देख के आप कंफ्यूज नहीं हुए कि मुझे इसके अंदर खड़ा होना है कि बाहर खड़ा हूँ? फिर जज ने जब कहा ऑर्डर ऑर्डर, तो आपने कहा नहीं, थोड़ा तो मेरा है। नहीं, बात तो सच है, जब भी हथौड़ा देखता था हमेशा थोड़ा वो लगता था कि ये तो मैंने ये देखा हुआ है, कहीं देखा हुआ है। पहचानी सी चीज़ है ये। लेकिन सर मुझे नहीं पता, मैं अभी तो मैं कंफ्यूज हो गया खुद में कैसा लगता हूँ, या ऑडियंस ही बता पाएगी कि मैं वकील के लायक हूँ या अपराधी के। जो डायरेक्टर दे देगा मैं कर लूंगा। पर आप जितना भी आते हो छाप छोड़ के जाते हो, बड़े कमाल के एक्टर हो। थैंक यू सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुप्रिया जी, एक बात आपसे पूछनी, आप इतनी प्यारी और मासूम है, कभी इसका मतलब इसका आपको फायदा मिला कि आप सड़क पे कभी जा रही हो, कोई प्रॉब्लम हो गई हो, गाड़ी ठुक गई हो, लोगों ने देख के आ गया, अरे आप जाइए, ऐसा होता है? नहीं, मुझे देख के कोई ऐसा नहीं कहता था। लेकिन एक बार मेरे बच्चों को, छोटे थे वो, तब मैं स्कूल ले जा रही थी, तो वो बहुत जल्दी में थी, सिग्नल था, मेरे को लगा मैं निकल जाऊँ जल्दी से, तो मैं आगे गई, तो वो आगे जो गाड़ी थी उन्होंने रोक दिया, मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, मैंने जाके मार दी गाड़ी उसको। बहुत गुस्से में वो लेडी उतरी, उसके साथ एक छोटी बच्ची थी, वो भी शायद स्कूल ही जा रहे थे। मैं उतरी, मैंने कहा सो सॉरी कहने के लिए उतरी थी, उसकी बच्ची ने ऐसे मुड़ के देखा मेरी तरफ और मम्मी को उसने आवाज़ दी, मम्मी मम्मी वापस आ जाओ, ये तो हंसा है, ये कुछ भी कर सकती है। तो मैं बच गई भाई, मैं लिटरली कोई भी प्रॉब्लम से अगर निकलना चाहती थी तो मैं हंसा प्ले कर लेती थी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई ऐसा रोल किया हो जिसको देख के घर वाले कह रहे हो कि ये क्या किया तुमने, एम्बेरस फील हो गए हो? आपको तो जरूर बोला होगा थोड़े के कि थोड़े मार रहे हो लोगों को। नहीं, मेरी मम्मी ने देखा ही नहीं, वो ट्रेलर देख के बोलते कि ये कपड़े कौन बना रहा तुझे। कौन सी फिल्म? पता लोग। अच्छा। पता लोग। मेरी मम्मी बहुत गुस्सा है उस चीज से, मतलब तुमको पाल पोस के बड़ा किया था ये करने के लिए। <laughs>
कैसे? हाय हेलो. तू पी के आ रही है? नहीं नहीं, तो खाली बोतल है. मैं एक्चुअली खाली बोतल लेने के लिए गई थी मार्केट में. अच्छा. हाँ, लेकिन मेरे को खाली बोतल मिली नहीं, भरी बोतल मिली. जब भरी बोतल मिली तो मैं खाली थी. अब बोतल खाली तो मैं भरी पड़ी. ऐसा होता है, ये जिंदगी का सिस्टम है. अभी अर्चना जी को देख लो. अर्चना जी पहले खाली थी, लेकिन गुस्से में कौन भरे पड़े हैं? सिद्धू पाजी. ये एक सिस्टम है, ये एक जिंदगी का साइकिल है. लेकिन फिर भी पता नहीं लोग गाड़ियां क्यों लेते हैं, क्या है? हाय रश्मि, रॉकेट यू ऑल आई नो. ये मैं आपके लिए लाई ली है. मुझे रॉकेट है ना, इसमें डाल के ऐसा उड़ाएंगे. और अगर वो नहीं करना है तो ये अंदर डालो और खुद रॉकेट बन के उड़ो. ऐसा. खैर, मैं आप लोग की बहुत बड़ी फैन हूँ. मैं खैर मैम, आपकी मैं सच्ची में वेलकम. मैं सच्ची में दिल से, एक तो होता है कि एक्टिंग करने का, एक होता है दिल से. इनके जैसा कोई आर्टिस्ट ही नहीं है. सुप्रिया जी के लिए एक बार जोरदार ताली है. मैं सच्ची में दिल से बोलती है मैम. पता है क्या रहता है हमारे फिल्म लाइन में? क्या रहता है, कोई कॉमेडी का बाप होता है, कोई एक्शन का बाप होता है, कोई रोमांस का बाप होता है. लेकिन आपने जितनी माँ का रोल किया है ना, मैं सच्ची बोलती हूँ, आप माँ के बाप हो. नहीं, वैसे आप माँ हो लेकिन आप बाप हो. बाप हूँ. वो वाला बाप नहीं, लेकिन आप माँ हो. माँ के बाप मत, तू समझे, तेरी मम्मी का रोल किया ना. खैर, मैं आपकी वो पिक्चर देखी थी मैं, सरकार. सरकार में आपने अमित जी की वाइफ का रोल किया था. थैंक गॉड माँ का नहीं किया. फिर सरकार 2 में भी आपने अमित जी की वाइफ का रोल किया था. फिर सरकार राज में भी आपने अमित जी की वाइफ का रोल किया था, है ना. और फिर अभी एक आई थी बिग बुल, उसमें आपने अभिषेक बच्चन की माँ का रोल किया था. मैं आपको एक सलाह दूं, आपका और अभिषेक बच्चन का जो वीडियो क्लिप है ना, उसकी पेशी आप कोर्ट में करो. अच्छा. फिर क्या, इनको प्रतीक्षा में हिस्सा मिल सकता है. मैं सच्ची बातें कर रही हूँ. तापसी क्या सोचेगी तू? वो कुछ भी सोच ले, इनको प्रतीक्षा में हिस्सा कभी भी नहीं मिलेगा. क्यों, उनको क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा बाबा, एक ही पिक्चर की ना अभी तो, अभिषेक बच्चन के साथ. अच्छा, मेरे को पूछने का था तापसी आपसे एक. ये दुनिया क्या खत्म होने वाली है क्या? क्यों, क्या हुआ? ये धड़ाधड़ फिल्में किए जा रही है, धड़ाधड़ फिल्में किए जा रही है. लेकिन जो भी है, क्या कमाल कमाल के सब्जेक्ट चुनती है तापसी, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए. आपको पता है मैंने कल ही सांड की आंख देखी. अच्छा. हाँ, लेकिन जब सांड ने मेरी आंख देखी ना, मैं बहुत घबरा गई. मैं सांड तो फिर भी बेजुबान है, इसको तो मामा भी आंखें दिखा जाते. मैंने मामा की भी आंखें देखी है. चंकी पांडे था ना उसमें, बहुत अच्छी पिक्चर थी, बहुत मजा आया. खैर, मेरे मामा को तो लोग बहुत प्यार करते, लेकिन तापसी को भी बहुत प्यार करते सच्ची में. अच्छा, एक और चीज पूछना था आपसे. आप बहुत एग्रेसिव नेचर के हो क्या? नहीं नहीं ना. क्यों? तो फिर हर फिल्म में कोर्ट कचहरी, चिल्लाना, रोना धोना, ऐसा क्यों? मतलब आप डायरेक्टर को बोलो 2 पैसा कम दे, लेकिन कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं काटने का, अच्छी बात नहीं रहती. अभी मेरे फूफा है, वो सारा दिन कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रहते. क्यों, केस फेस हो गया उनपे? नहीं नहीं, वकील है वो. अच्छा. फिर मेरे एक मौसा जी भी है. अच्छा. वो भी सारा दिन कोर्ट कचहरी का ही चक्कर काटते रहते. वो भी वकील है? नहीं, उनपे केस हुए ला है. हमारे का जो सेकंड जोक रहता है ना, उसमें हम लोग ट्विस्ट देते हैं. समझ में आ गया. समझ ऐसे ही रहता है, मतलब ट्विस्ट बहुत जरूरी है. जोक क्या, मेरी तो पर्सनल जिंदगी में हम लोगों ने ट्विस्ट रखा है फैमिली में. अच्छा. हाँ, एक बहन की शादी हमने पुलिस वाले से कराई है. अच्छा. और दूसरी बहन की चोर से. क्यों? ट्विस्ट के लिए ना, मसाला मिलते रहने की. मैं स्वीट लगी ना आपको? मैं स्वीट हूँ के नहीं? नहीं, मैं बहुत मतलबी औरत हूँ. हाँ, मैं मतलब से आई हूँ यहाँ पे. खैर, अभी मेरे को पता चल गया आप प्रोड्यूसर बन गए. हाँ, है ना. तो मैं चाहती है हमारा भोजपुरी पिक्चर में आप पैसा लगाएं. हम लोग नाला सुपारा में बहुत सारी फिल्में बना रहे हैं. कौन सी फिल्में हैं तुम्हारी? अभी एक पिक्चर बना रहे हैं हम लोग. ये एक्शन पिक्चर है, हम चाहते हैं इसमें अगर थोड़ा सा आप पैसा लगा दें. खई के 4 ठो चिंगम है? देवर बनेला सिंगम. ये है बहुत इंटेंस एक्शन. इंटेंस भोजपुरी में तो बहुत इंटेंस रहता है. हाँ. आपको सब मालूम है. बहुत. और मतलब पैसा लगाएंगे कोई नुकसान नहीं रहेगा. 80 लाख लगाए थे एक प्रोड्यूसर ने, 90 वापस आया फर्स्ट डे कलेक्शन में, 90,000 का.
पूरा ज्यादा आता है, ऐसा कोई टेंशन नहीं। खैर आपकी एक और पिक्चर आई थी मिशन मंगल ना, हाँ जी हाँ जी, हाँ उसके ऊपर हम लोग भोजपुरी का रीमेक बना रहे हैं। क्या? उसका टाइटल है भैया बिजी रहे मंगल में और भौजी कोहराम मचाए जंगल में। इसकी आईपी अक्षय कुमार के पास है, आप उससे बनवा लो ये पिक्चर। अक्षय जी ना उनसे बनवा लो, वो तो हमको हेल्प कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। अब मेरे पास मसाज है। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? नहीं आपसे ये। हमारे पास मन मर्जियाँ मसाज है। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है कि हम लोग कस्टमर को ऐसा तेल वेल लगाते हैं और तेल लगा के उसको एक पिंजरे के अंदर डाल देते हैं। कौन से पिंजरे में? जिधर एक भूखा शेर होता है। फिर क्या, फिर शेर का मन उसकी मर्जी। उसकी मर्जी वो मसाज करे के डिनर करे, वो तो उसके ऊपर रहता है। अरे खैर मेरे को कप्पू याद आ गया, मेरे को जाना पड़ेगा मैम। क्यों? मेरे को अर्जेंट है। वो मेरे पास क्या, वो मनोज वाजपेयी है ना, वो मसाज कराने के लिए आए थे, तो जाते जाते वो अपना वाजपेयी भूल गए। सच्ची में बोल रही हूँ। तो उनका फोन आया, बोला मेरा वाजपेयी किधर है? मैंने बोला देखो वाज तो मैं पाई, लेकिन पाई नहीं पाई है अभी तक में। और वो पाई फिर के मैं झाड़ू मारी तो नीचे पाई था, कभी पाई मेरे को मिल गया है, तो मनोज वाजपेयी को मैं दे देती हूँ, नहीं तो पाई पाई का मोहताज हो जाएगा वो। तो उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी, आई विल सी यू, बाय। हमारे ना ये गांव के आसपास एक छेड़ू लाल जी रहते हैं, उनको बड़ा शौक है सेलिब्रिटी से बात करने का, तो हैं बड़े बदतमीज, तो मैं उनको इधर आने नहीं देता। तो लाइव ही वो आप पे ऑनलाइन आपसे बात करेंगे, पता नहीं, मैंने उनको बोला भी मत आओ पर आते जरूर है। हाँ जी छेड़ू लाल जी। नमस्ते जी। कमाल है, आज तो बड़े पतले पतले लोग आए हैं। तापसी जी आप इतनी पतली हो गई हैं, तो पहले वाले कपड़े तो नहीं फिट आते होंगे, तो वो अर्चना जी को दे दो, नहीं ये खुलवा के भी पहन लेती है। गुड़ की रेवड़ी का अलग बनाना और चीनी वाली का अलग, मिक्स मत कर देना, मेरे को रिमिक्स पसंद नहीं है। मेरे को भी नहीं। शुक्रिया जी। पहली पेन है, मैंने आपकी राम प्रसाद की 13वीं देखी थी जी। आप बहुत रो रही थी जी। मेरे को बड़ा दुख हुआ, पर मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अब आप बिल्कुल मत रोना, वो आदमी जिंदा है, मैंने उसकी दूसरी फिल्म देखी है। अभिषेक जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आपने मिर्जापुर की कास्टिंग करी थी ना, तो जब मिर्जापुर 3 आए तो मुझे भी कास्ट कर लेना। आपको एक्टिंग आती है? नहीं मुझे गालियां आती हैं। प्रियंशु जी, अच्छा मिर्जापुर में आप एक डायलॉग आपका बड़ा मशहूर हुआ, आप एक लाइन बोलते हो ना कि ये भी ठीक है ये भी ठीक है, तो शादी के बाद जब कोई लड़की प्रपोज करती है तो आप मना कर देते हो कि कहते हो ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। अच्छा तापसी, हमने कहीं सुना था आपके बारे में कि आपने कहा कि मैं कोई सुपर हीरो वाली फिल्म करना चाहती हूँ। हाँ जी। क्यों, आपके दिमाग में ऐसा क्यों आ गया सुपर हीरो वाली फिल्म करनी है? बस वही बचाए करने को। अगर आपके पास में ऐसी कोई पावर आए तो क्या करेंगे आप? यार उस एक्चुअली में बस पावर होनी चाहिए कि कोई लोग लड़े ना। हमारे दर्शकों से मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसी शक्ति आ जाए तो आप क्या करना चाहेंगे और कौन सी शक्ति को जो है आप धारण करना चाहेंगे, अपने विचार आप पेश कर सकते हैं। जी मैडम। हेलो एवरीवन। हेलो जी। कपिल सर, मुझे अगर ऐसा पावर मिले तो मैं भगवान बनना चाहती हूँ। ओह माय गॉड। आपको क्या लगता है आप उन्हीं भगवान है? नहीं, मैं मेरे पति को मेरे हिसाब से चलाना चाहती हूँ। ओह गॉड।
उसके लिए भगवान बनने की क्या जरूरत है, बीवी बनी रहो। सर मेरा पति दुनिया का सबसे अलग पति है। हाँ सर, जैसे सब पति अपने पत्नियों की सुनते हैं, मेरा पति मेरी नहीं सुनता है। तो किसकी पत्नी की सुनते हैं वो? वो अपनी मर्जी का करते हैं सर। करने दो सा, उन्होंने जिंदगी में, हे प्राणी, हे मोहतरमा, इंसान कोई दुनिया में आया अपनी मर्जी नहीं कर सकता। सर वो हमको भी चलाता है ना वो हिसाब से। अच्छा, जैसे उनका आज पानी पूरी खाने का मन नहीं है। हाँ। मैंने बोला चलो पानी पूरी खाने चलते, फिर नहीं आज नहीं चलना है, फिर कभी और जाएंगे। अच्छा। हमने बोला चलो आज आइसक्रीम ऑर्डर कर देते है, नहीं आज नहीं कभी और करेंगे। सर ऐसे थोड़ी ना होता है। आई कहाँ से आप? मैं नवी मुंबई से। तो आपके पति आए साथ में? नहीं नहीं आए। नहीं, क्योंकि आपने बोला होगा यहाँ चलते हैं, उन्होंने बोला नहीं आज नहीं। हाँ मैम, जैसे अभी का एक किस्सा बताती हूँ सर मैं आपको। जैसे ही थोड़ा सा ओपन हुआ लॉकडाउन, थोड़ा सा ये हुआ, हमने बोला चलो कहीं घूमने चलते हैं। जैसे मैंने मेरे हस्बैंड को बोला तो नहीं अभी कहीं नहीं जाना है, अभी बच्चा छोटा है उसको लेके कहीं नहीं जाना है। अच्छा। और नेक्स्ट डे उनके फ्रेंड का कॉल आता है, चलो लेह लद्दाख घूमने चलते हैं। अच्छा। सर इमीडिएट हाँ कर दिया। पीटो पीटो पकड़ को, सर ऐसे। कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरे 8 साल हो गए सर। 8 साल हो गए। हाँ। अच्छा, तो 8 साल बाद ऐसी हरकत कर सकता है पति? मैं हिसाब लगा रहा हूँ कि कितने साल बाद आदमी अपनी मर्जी कर सकता है। 8 साल बाद कर सकता है। गिननी तो कभी नहीं करने देगी ऐसी हरकत तुझे, बिल्कुल नहीं। एक दूसरे को जानते हुए तो 14 साल हो गए, तो हमारा वो पीरियड निकल गया। निकल गया। हाँ सर, एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। हाँ जी प्लीज। हम आपको हर सैटरडे संडे टीवी पे देखते हैं। अच्छा जी। आज आप मुझे देख रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। आप स्पेशली आते हो हमारे शो पे, इतना प्यार देते हो, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। ओ आपने तो टी शर्ट भी हमारे शो के नाम की पहनी हुई है। सर मैंने अकेले ने नहीं, हम 10 लोग हैं जो कि आपके इतने बड़े फैन हैं। पूरी प्रोडक्शन के साथ आए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। मुझे उड़ने की शक्ति चाहिए। उड़ना चाहते हैं आप? जी। अच्छा सर, बहुत पंगा है ट्रैफिक का, फटाफट से निकलो, ऑफिस पहुंच जाओ, ऑफिस से निकलो, घर पहुंच जाओ, बीवी का शक्का भी टंटा खत्म है। जो मेरी बीवी डिमांड करके बैठी हुई है, मैं जहां जहां से निकलूं वो चीज मेरे बैग में आती जाए ऑटोमेटिकली। ग्रोसरी पावर। तो उड़ना ही अगर आ गया आपको तो ऑफिस जाने की जरूरत क्या, बैंक लूटो और उड़ जाओ। मार्केट में जैसा लगे रहते हैं ना गाड़ी वगैरह, निकले वहां से, ब्रेड का गाड़ी है, ब्रेड अपने थैले में, अपने झोले में, सेकंड बढ़ो आगे, अंडा आ गया, आगे बढ़ो दाल चीनी सारा। तो आपका क्या पता क्या क्या अंदर कर लें आप? नहीं सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम बताया आपने अपना? सर विकास जवानी। विकास दवानी? दवानी। अरे मैं विकास जवानी। मैं विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो एवरीबॉडी। हेलो कपिल। हेलो जी। मैं एवरीबॉडी में नहीं आता। आपको अलग से हेलो बोलने का मन। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल शो। थैंक यू। बहुत हंसाते हैं आप, इधर दर्द होने लग जाता है। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा समझ में नहीं आता आज मेरे क्या जवाब दे। कहाँ से आई आप? नवी मुंबई उल्वे। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? रजनी। जी रजनी, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरे को वो पावर चाहिए रिमोट कंट्रोल की, जो कि मेरे फिंगर्स में ही रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन हो जाए। क्या रीजन है उसका? रीजन ये है कि मेरे घर में बच्चे सुनते नहीं, 2 बच्चे और 1 पपी बिल्कुल नहीं सुनते। ये लाइफ का सर्कल है, जैसे आप पति की नहीं सुनती, आगे फिर बच्चे ऐसे होते हैं वो आपकी नहीं सुनते। नहीं सुनते। अच्छा। 400 आवाज लगा दो, उठ जाओ, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई, कराटे लेट हो गया, स्कूल बस मिस हो गई, कोई नहीं सुनता। तो ऐसी पावर हो, बच्चा अब बच्चा बाथरूम में, बच्चा रेडी, स्कूल, सब अपनी जगह से। बच्चों के लिए चाहिए पावर, पति के लिए कुछ नहीं चाहिए ना? वो बेचारा सुन ही लेता है। कोई तो सुन रहा है, शुक्र है। कितने बच्चे हैं आपके रजनी जी? 2 बच्चे हैं और 1 पपी है, और तीनों एक जैसे। अच्छा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी आपका शो में आने के लिए। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त जो? जी भाई साहब।
हेलो सर. हेलो सर, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश तो नहीं है लेकिन एक विश है. तो ख्वाहिश विश सेम ही होता है. हाँ, मतलब आपके पूरी टीम को एक पेंटिंग गिफ्ट करनी है. इनविजिबल पेंटिंग है. इनविजिबल पेंटिंग. इनविजिबल पेंटिंग. हाँ, उसको आप विजिबल कर सकते हो अभी. कैसे? वाह, कैसे मतलब लाए हो आप कुछ बना के? अभी मैं दिखा सकता. वाह, दिखाइए, हमने कभी नहीं देखा ऐसा कुछ. सर, मैं मेरे सिस्टर को बुला सकता हूँ वो हेल्प के लिए? प्लीज प्लीज बुला लीजिए. कहाँ से आए आप लोग? चेंबूर. अच्छा जी. हेलो. हेलो जी, कैसे हैं आप? इनको माइक पढ़ाने के लिए बुलाया था, मेरे को दे देते. अच्छा. कोई सभी वाह मॉडर्न आर्ट. ये क्या बोलते हैं इस टेक्निक को, क्या बोलते हैं जो आपने किया? ये इनविजिबल पेंटिंग है और मैंने इसे खुद से ऐसा स्टाइल किया है. अच्छा जी, बड़ा यूनिक है यार, मैंने पहली बार देखा ऐसा. थैंक यू सो मच. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट. थैंक यू सो मच. थैंक्स, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. आइए. नहीं, आप तो सुबह घर छोड़ के गए थे कि मैं कुछ बन के आऊंगा. ये बन के आए लाल कबूतर? कौन सी कंट्री के बंदर बन के आए हो? बंदर नहीं, ये बैंड बंदर क्या लेके घूम रहे थे आप? नहीं, मैं अपना बैंड खोला है कपिल. हाँ, और ये सारा क्रेडिट मैं तापसी पन्नू जी को देना चाहता हूँ. आपकी मैंने फिल्म देखी थी थप्पड़. आपके हस्बैंड ने आप पे हाथ उठाया, आपने उसकी बैंड बजा दी. मैंने सोचा अगर ये बैंड बजा सकती तो मैं बैंड क्यों नहीं बजा सकता. ऐसे भी इंस्पायर करेगी मेरी पिक्चर, ये मुझे आइडिया नहीं था. अच्छा, एक बात करनी थी आपसे. कर लूँ? हाँ जी प्लीज. आपकी वेडिंग और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है ना? जी जी. हमारा बैंड आपकी कंपनी को एक मौका देना चाहता है. बहुत बड़ी कंपनी है उनकी, बहुत बड़े बड़े बैंड है उनकी कंपनी में. अच्छा, फिर हमको मौका दे दो. सुप्रिया जी, देखो आप इतने बड़े स्टार हैं, आप किसी का भला करके भूल जाते हैं, लेकिन मैं नहीं भूलता. जब मैं आपसे मिला था उसके बाद मेरे दिन बदल गए. कैसे दिन बदल गए? हाँ, मैं एयरपोर्ट पे सोमवार इनको मिला था 11:30 बजे. अच्छा. और आधे घंटे बाद 12:00 बजे मंगलवार हो गया. देखो दिन कैसे बदलते हैं, देखो कुदरत है. अमित जी, एक एयरलाइंस है उसमें म्यूजिक दे लेंगे आप? वो क्यों देंगे भी एयरलाइंस में? उन्होंने उड़ता पंजाब को म्यूजिक दिया है तो उड़ता जहाज को म्यूजिक नहीं दे सकते? डन सर. एक बात मैं सबके सामने बोलता हूँ, कोई बुरा ना माने प्लीज, पहले मैं माफी मांग लेता हूँ. आज अमित जी बैठे हैं, प्रियांशु जी बैठे हैं, लेकिन मैं हीरोइन सिर्फ आपको मानता हूँ. नहीं देखो वो तो हीरोइन है ही, तो मैं तभी तो मान रहा हूँ. जो हीरोइन है मैं उन्हीं को मानूंगा ना. थैंक यू. अब देखो तापसी जी बैठी हैं, सुप्रिया जी बैठी हैं, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर मैं अमित जी को मानता हूँ. तो वो तो है ही ना म्यूजिक डायरेक्टर. है ही तो ही मानूंगा ना कपिल. अच्छा, एक बात आप सबने नोट की है, मुझे कम से कम 10 मिनट हो गए हैं और प्रियांशु जी आपकी बातों में वक्त का पता नहीं चला. अब मैं बोलूं कुछ, अब मुझे भी तो बोलने दो. अरे सर, मैंने आपकी सीरीज देखी है, फिल्में देखी, क्या काम करते हैं, लव यू सर. जोरदार तालियां प्रियांशु जी के लिए. और कोई बात करनी है आपने? हाँ नहीं, मैं सर से बात करनी है, अभिषेक जी से बात करनी है. कीप इन टच. मैं अपनी आपसे लाइफ बनवा लूंगा. मैं चाहता हूँ, मैं सड़क पे पड़ा हूँ, आप उठा के मुझे स्टार ना दो. इसमें मेरा कोई लालच नहीं है. आप कल को इंटरव्यू में बोल सकते हो कि एक बंदा सड़क पे पड़ा था, मैंने उठा के स्टार ना दिया. ये मुझे आप. थैंक यू, थैंक यू. अब आप फटाफट मेरी कास्टिंग कर दो. क्यों जी? अब मेरे से और फास्टिंग नहीं होती है. फूल उठाए उसका कोई मतलब था? और इम्प्रोवाइजेशन भी नाम की भी कुछ चीज होती है. क्या 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 स्पेलिंग पता? इतना लंबा ओए 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 कौन करता है?
तो लोग भी तो ज्यादा हैं। अच्छा आधे उनको लगेंगे आधे उनको आधे उनके लिए। खैर हाय एवरीवन, माय सेल्फ इज चंदू सीईओ ऑफ 10 स्टार जनरल स्टोर। वो भी नाम नहीं थी। देखा इम्प्रोवाइजेशन। देयर इज अ स्पेशल 10 स्टार स्पेशल जनरल स्टोर। ये सीईओ है और रोज का इनका कोई 24-25 रुपए का टर्नओवर है इनका। दूसरी दुकानों पे तो इनकम टैक्स वाले रेड मारते हैं, इनके पिछवाड़े पे डंडे मार गए, काम धंधा क्यों नहीं करते। मैं पैसे के पीछे नहीं भागता। ये भी तो बताना क्यों नहीं भागता। उस दिन सिग्नल पे किसी गाड़ी के अंदर हाथ दिया इसने, उन्होंने शीशा चढ़ा लिया, फिर ऐसा भागा, उसके बाद बंद कर दिया इसने। आप क्या हंस रहे हो, मैंने देखी आपकी एंट्री जैसी हुई है। चाचा जी आप तो कुछ बनने के लिए गए थे, ये क्या बनकर आ गए आप? मैं तो फिर भी कुछ ना कुछ बन के आऊँ। तू 40 साल से कुछ नहीं बना। 40 साल नहीं, मैं 30 साल का हूँ। मैंने 10 साल अगले भी जोड़ लिए, कुछ नहीं बनेगा। कपिल मुझे तू बता, तू तो रोज बोलता है आस पास सफाई रखो, ये पास रखा क्या है चंदू तूने? चाचा ये इलाज कराओ। तेरा इलाज मैं क्यों कराऊं भाई, मैंने तापसी जी के लिए गाना बनाया, मैं वो गाऊंगा। इनका यही है, जहां बोलो गाना शुरू हो जाते हैं ये। अपने सुहागरात वाले दिन भी इन्होंने अपनी बीवी को सिर्फ गाना ही सुनाया था। वो मेरी मजबूरी थी, वो कहती कुछ ऐसा करो मजा आ जाए, मैंने गजल सुनाई मजा आ गया। किसको, बीवी को? ना ना मुझे। मैं आपको गाना सुनाता हूँ। होंठों से छू, ए खबरदार खबरदार, गाना नहीं गाना। अगर अभी आपने गाना गाया ना तो आपके गले में जो कौवा है ना उसकी चिड़िया फोड़ डालूंगी मैं। हाँ अरे ये आदमी ने तो अपनी सुहागरात में भी गाना गाया था। हाँ बता यार, मुझे एक बात की समझ नहीं आती, मेरी सुहागरात थी कि तापसी जी की मूवी थी जो सबने देखी हुई है? क्या बात कर रहे हो। कोई ढंग की बात करो। अब ढंग की बात करूं? अच्छा चाचा जी मेरे को एक बात बताओ, किसी भूखे को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है ना? बहुत बड़े पुण्य। तो चलो ना जरा, जंगल में शेर भूखा बैठा है। चलो ना प्लीज। शेर से शेर याद आया, फिल्म में रश्मि रॉकेट बनी है तापसी, और इधर देखो क्या खड़ी है, ना मासी ना बापसी। वाह, इनका शेर हर दिल को छूता है। इनका क्या बात है, क्या बात है, इनका शेर हर दिल को छूता है, इनका मुंह नहीं 4 नंबर का जूता है। अभिषेक भाई जी, आप स्त्री में थे ना? जी जी, हमारे भी इधर कुछ पुरुष जो हैं वो स्त्री में। मैं तो स्त्री हूँ, तू मिस्ट्री है, समझा? यहाँ क्यों आया, किसने बुलाया, क्यों लाया ये तेरे को? पैदा होने से पहले सोचा नहीं था क्या? कपू शर्मा समझा लो इसको। तुम पहले अपने मुंह को चार्जिंग पे लगाओ, 10% बचा है सिर्फ। चलो। आपको पता है ऐसे बच्चे जब कभी मेले में खो जाते ना, माँ बाप रिपोर्ट नहीं लिखाते, कहते कोई बात नहीं दूसरा हो जाएगा। और जब ऐसे बच्चे मेले में खो जाते हैं, अनाउंसर अनाउंसमेंट करता है, कृपया ध्यान दीजिए एक बच्चा खो गया है, उसके माँ बाप मेरे पास खड़े हैं, वो कहते हैं खबरदार अगर बच्चे को ढूंढा दो, और चुप रहने का 50,000 रुपया इनाम। आया मजा कोई? देख लिया। और पता है जब ये चाचा जी पैदा हुए थे ना, तब एक मिनट यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, इन बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट मुझसे बनवा लो यार। तापसी आपको पता है जब हड़प्पा की खुदाई हुई थी सबसे पहली चीज क्या मिली थी? क्या? इनका बालों वाला मुंह। और जब ये पैदा हुए थे, हमें पैदा हुए थे तो क्या प्रॉब्लम है, पैदा हुए थे अच्छे खासे पैदा हुए हैं यार, चांद सा लल्ला पैदा हुआ था मेरी माँ को, चांद सा लल्ला। और आपको पता है लोग एक दिन में पैदा होते हैं, ये 1.5 महीना पैदा होते रहे। और तुम सुन लो यार, और जब ये पैदा हुए नर्स कहती है वो 12 को आपके घर में पेट हुआ है, साथ में छोटा सा बच्चा भी है। एक शब्द जी, एक शब्द अगर और भी निकाला अजीब शक्ल वाले इंसान,
तो तापसी की फिल्म ऐसा गाल पे दूंगा कि गाल तापसी की दूसरी फिल्म हो जाएगा। मतलब मतलब कि ये ऐसा थप्पड़ देगा ना तेरा गाल पिंक हो जाएगा। ये कहने का मतलब व्हाट अ क्रिएटिव पंच। यस वेरी गुड। तो मैंने भी आपको ऐसा देना है कि आपने इनकी फिल्म से बाहर हो जाना है। मतलब इनका मतलब है कि आप मुल्क से बाहर हो जाओगे। मेरा वाला बेटर था। बेटर था तुम्हारा बेटर था। ओ चाचा जी आप सुन रहे हो ना। यार मैं तो कुछ बोला ही नहीं। आप बोलो ना यार, आप बोलते नहीं हो इस वजह से हम पे प्रेशर आता है, तभी तो बोलो। बोलने को बोलेंगे ना आपको तो बोलने का, इसको बोलने को बोलो ना तो आ, आ, यही सब चालू हो जाता है। ना 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 सर बैठे हैं, मैं ऐसा नहीं करता, मैं करता हूँ। एक मिनट यार, जिस तरह ये हर वक्त गाते रहते हैं, तुम भी तो हर वक्त नाचती रहती हो। पिछले जन्म में तुम मुजरी थी क्या? ये मुजरी क्या होता है बे? ये नाचने की जो खुजरी है ना तुम्हें, उसी को मुजरी कहते हैं। शाबाश शाबाश। क्या देख रही हो? मैं तापसी की पिक्चर देख रही हूँ। कौन सी? सांड की आंख। सांड की लात दिखाऊं अब? इधर ना बहुत गेस्ट लोग बैठे, वरना मैं तेरे को दिखाती। ठीक है तो गेस्ट लोग तो खड़े हो जाएंगे, अब देखने दिखाने का टाइम नहीं है यहाँ। अब हाथापाई होगी। हाथापाई। रुको 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 रुको। आप लोग ऐसे लड़ क्यों रहे हो? हमारे गेस्ट हमारे बारे में क्या सोचेंगे? हाँ वैसे भी मैं आप सब लोगों के साथ डांस करना चाहती हूँ। एक मिनट देखो भाई, यहाँ लड़ाई चल रही थी, ये डांस का कॉन्सेप्ट भी बीच में कहाँ से आ गया? दुनिया में आने का कॉन्सेप्ट तो आपका भी कोई नहीं था, आप आए ना। आइए, लड़की अच्छी लग रही है, ठीक है उसकी नहीं हिंदी अच्छी, वो है तो अच्छी। मैं वैसे भी दुनिया में कॉन्सेप्ट से नहीं आया हूँ, मैं शॉपिंग से आया हूँ। क्या शॉपिंग से? कैसे? मैं क्या हुआ कि मेरे पापा मेरी मम्मी को शॉपिंग के लिए ले गए। अच्छा। मेरी मम्मी बहुत खुश हुई, फिर मैं आ गया। अच्छा हुआ आपके पापा ने मॉल में शॉपिंग नहीं की, नहीं तो इधर मेला लगा होना था। मेला लगवाऊं तुम्हारा यहाँ पर? एक मिनट, ये मेला ठेला क्या लगा के रखा है? चाचा जी के बारे में कोई कुछ भी नहीं बोलेगा अभी। अरे मेरे बारे में कहाँ कोई बोल रहा है। हाँ तो कुछ अच्छा करो ना, ताकि आपके बारे में भी लोग बोले। यार मैं जब ना देखो बोलने को बोलो तो बुआ बुआ। मैं जा रहा हूँ यार, बेइज्जती बहुत हो रही है, थोड़ी सी और करवाओ, बैठो। अच्छा। अरे बात, कितने अच्छे लग रहे ना दोनों साथ में, ऐसा लगता है मुरलीधरन ने दो बच्चे दिए। बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी मोहल्ले में यहाँ जगह तो है नहीं, और नए नए लोग क्यों आ रहे हैं? मोहल्ले में जगह कहाँ से होगी, चार लोगों की जगह तो तुम लेके बैठे हो। और तू क्या अपने दोस्त को समझा रहे हो? इधर आ कप्पू। मैं तो कहती हूँ इस बंदे को तोड़ के ना बैंक्वेट हॉल बना लेते हैं, इस पे अपने घर के फंक्शन किया करेंगे ना वीर जी। हाँ हाँ। मेरी बात सुनो, एक चार छह जुए पूछ रही थी, किराए पे दोगी घर? और याद रखो मोहतरमा, मैं वकील हूँ, अंदर कर दूंगा। तुम भी याद रखो कप्पू की बुआ हूँ, शो से बाहर कर दूंगी। पड़े और मेरे भाई को किसी ने कुछ कहा ना तो देखना मुझसे बुर्रा कोई नहीं होगा। बुर्रा नहीं, बुर्रा बुर्रा। आजा आजा, ये बुर्रा बुर्रा फैमिली प्रॉब्लम है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।